सब्सक्राइब करें टेक्निकल बीट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल बीट्स यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम बात करने वाले ओप्पो A57 वर्सेस ओप्पो A55 के फीचर्स कंपैरिजन के बारे में। आज हम इन दोनों डिवाइस के फीचर्स को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशन के बारे में। तो ओप्पो A57 के अंदर हमें वेट देखने को मिलती है 75 mm, हाइट यहाँ पर हमें 163.7 mm देखने को मिलती है, डेप्थ यहाँ पर हमें 8 mm देखने को मिलता है, वेट यहाँ पर हमें 187 ग्राम देखने को मिल जाता है। A55 की बात कर ले तो यहाँ पर हमें वेट देखने को मिलती है 75.7 mm, हाइट यहाँ पर हमें 163.6 mm देखने को मिलती है, डेप्थ यहाँ पर हमें 8.4 mm देखने को मिलता है, वेट यहाँ पर हमें 193 ग्राम देखने को मिल जाता है। तो दोनों का डायमेंशन ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें सेम देखने को मिलता है, ज़्यादातर डिफरेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो ओप्पो A57 के अंदर हमें 6.56 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 720:1612 पिक्सल का HD+ रिजोल्यूशन देखने को मिलता है और 16Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। ओप्पो A55 की बात कर ले तो यहाँ पर हमें 6.51 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 720:1600 पिक्सल का HD+ रिजोल्यूशन देखने को मिलता है और 16Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट दोनों का डिस्प्ले यहाँ पर हमें सेम देखने को मिलता है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों के कैमरा सेटअप के बारे में। तो ओप्पो A57 के अंदर हमें ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 13MP का मेन लेंस देखने को मिलता है 2.2 की अपाचर के साथ और 2MP का मैक्रो डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है, 1080 पिक्सल की 13fps वाली वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है और सेल्फी कैमरा यहाँ पर हमें 8MP का देखने को मिल जाता है। ओप्पो A55 की बात कर ले तो यहाँ पर हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 15MP का मेन लेंस देखने को मिलता है 1.8 की अपाचर के साथ, 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिलता है, 2MP का डेप्थ लेंस देखने को मिलता है और 1080 पिक्सल की 13fps वाली वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है और सेल्फी कैमरा यहाँ पर हमें 16MP का देखने को मिल जाता है। तो गाइस, कैमरा सेटअप की यहाँ पर हम बात कर ले तो ऑलमोस्ट ओप्पो A55 का कैमरा हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है ओप्पो A57 की कंपैरिजन में। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोनों का जो परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें सेम देखने को मिलता है, दोनों डिवाइस के अंदर हमें MediaTek Helio G35 का चिपसेट देखने को मिलता है, बट ये ओप्पो A55 पुराना वेरिएंट से तो यहाँ पर हमें एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाती है और यहाँ पर ओप्पो A57 के अंदर एंड्रॉइड 12 देखने को मिलती है, इतना सा हमें यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों के मेमोरी सेटअप के बारे में। तो ओप्पो A57 के अंदर हमें सिंगल वेरिएंट्स देखने को मिलता है, 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी वाला। यहाँ पर आप एक्सपांडेबल स्टोरेज 256GB तक यूज़ कर पाएंगे, यहाँ पर आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलता है, यानी आप ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड यूज़ कर पाएंगे। ओप्पो A55 की बात कर ले तो यहाँ पर हमें दो वेरियंट्स देखने को मिल जाते हैं, 4GB 64GB इंटरनल और 6GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला। एक्सपांडेबल स्टोरेज यहाँ पर आप 1TB तक यूज़ कर पाएंगे, यहाँ पर भी आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि आप ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड यूज़ कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें सेम देखने को मिलती है, बट अगर आप ओप्पो A55 परचेस करते हो तो आपको एक 6GB और 128GB वाला वेरियंट्स अलग से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों के बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर मैं ओप्पो A57 के अंदर 5000mAh की बैटरी और 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, वही A55 की बात कर ले तो यहाँ पर मैं 5000mAh बैटरी और 18W का चार्जर देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट चार्जर यहाँ पर मैं ओप्पो A57 का काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों की सिक्योरिटी के बारे में। तो दोनों डिवाइस के अंदर हमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और फेस रिकॉग्निशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों के प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो यहाँ पर हमें ओप्पो A57 के अंदर 4GB और 64GB वाला वेरियंट 13,999 में मिल जाता है, वहीं A55 की बात कर ले तो यहाँ पर हमें 4GB 64GB वाला वेरियंट 14,990 में मिलता है और 6GB और 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट 17,490 में मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर दोनों का प्राइस सेगमेंट ज़्यादातर डिफरेंट नहीं है, बट 4GB वाला वेरियंट अगर आपको परचेस करना है कम प्राइस में तो आप ओप्पो A57 भी परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों के कैलकुलेशन कंपैरिजन के बारे में। तो यहाँ पर हमें दोनों का कंपैरिजन बता देता हूँ। तो दोनों डिवाइस के अंदर हमें HD+ रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, दोनों डिवाइस के अंदर सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड 12 देखने को मिलता है, वहीं A55 के अंदर हमें एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट कैमरा सेटअप हमें ओप्पो A55 का अच्छा देखने को मिल जाता है, बैटरी बैकअप दोनों में सेम देखने को मिलता है, बट अगर आप 57 परचेस करते हो तो आपको 33W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। प्राइस सेगमेंट ज़्यादातर यहाँ पर हमें डिफरेंट देखने को नहीं मिलता।
तो गाइस ऑलमोस्ट हमारा जो सजेशन आपके लिए रहेगा, अगर आप कैमरा के लिए फ़ोन परचेस करना चाहते हो तो आपको ओप्पो A55 परचेस करना चाहिए, अगर आपको अच्छा चार्जर चाहिए तो आप ओप्पो A57 को भी परचेस कर सकते हो, यानी कि दोनों डिवाइस आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाले हैं। तो गाइस ये था ओप्पो A57 वर्सेस ओप्पो A55 का फ्यूचर्स कंपैरिजन। आपको इन दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।